मैं अपने अफसरों के बीच में बार बार कहता हूं कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारों की जो दखल है सामान्य नागरिक के जीवन में, क्या हम उस दखल को कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते हैं? आजाद भारत का मतलब तो मेरा यह है कि धीरे 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 सरकारें लोगों की जिंदगी से बाहर आएं, लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए, निर्णय करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते उनके लिए खुले होने चाहिए, मन मर्जी पड़े उस दिशा में, देश के हित में और परिवार की भलाई के लिए, स्वयं के सपनों के लिए आगे बढ़े, ऐसा इकोसिस्टम हमको बनाना ही होगा। और इसलिए सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जहां मुसीबत की पल हो तो सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए। न सरकार का दबाव हो, न सरकार का अभाव हो, लेकिन हम सपनों को लेकर के आगे बढ़े। सरकार हमारे एक साथी के रूप में हर पल मौजूद हो, जरूरत पड़े तो लगना चाहिए हाँ है, कोई चिंता का विषय नहीं है। क्या उस प्रकार की व्यवस्थाएं हम विकसित कर सकते हैं? हमने गैर जरूरी कई कानूनों को खत्म किया गत 5 वर्ष में। एक प्रकार से मैंने प्रतिदिन एक गैर जरूरी कानून खत्म किया था। देश के लोगों को शायद ये बात पहुंची नहीं होगी, हर दिन एक कानून खत्म किया था, करीब करीब 1450 कानून खत्म किए थे। सामान्य मानवीय के जीवन पर से बोझ कम हो। अभी सरकार को 10 हफ्ते हुए, अभी तो इन 10 हफ्तों में 60 ऐसे कानूनों को खत्म कर दिया है। ईज ऑफ लिविंग यह आजाद भारत की आवश्यकता है, और इसलिए हम ईज ऑफ लिविंग को बल देना चाहते हैं, उसी को आगे ले जाना चाहते हैं। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफी प्रगति कर रहे हैं। पहले 50 में पहुंचने का सपना है, उसके लिए कई रिफॉर्म की जरूरत होती है, कई छोटी मोटी रुकावट है। वरना कोई छोटा सा उद्योग करना चाहता है, कोई छोटा सा काम करना चाहता है, यहां फॉर्म भरो, उधर फॉर्म भरो, इधर जाओ, उस ऑफिस जाओ, सैकड़ों ऑफिसों में चक्कर लगाता रहता है, उसको मेल ही नहीं बैठता है। इनको खत्म करते करते करते, रिफॉर्म करते करते, केंद्र और राज्यों को भी साथ लेते लेते लेते, नगर पालिका महानगर पालिकाओं को भी साथ लेते लेते, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के काम में बहुत कुछ करने में सफल हुए हैं। और दुनिया को भी विश्वास पैदा हुआ है कि भारत जैसा इतना बड़ा देश, डेवलपिंग कंट्री, ये इतना बड़ा जंप लगा सकता है। और ये जब सपना देखता हूं तो मुझे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये तो एक पड़ाव है, मेरी मंजिल तो है ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवीय के जीवन में उसको सरकारी काम के लिए कोई मशक्कत न करनी पड़े, उसके हक का उसको सहज रूप से मिले। और इसलिए हमने आगे बढ़ने की जरूरत है, हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं।